चलो अच्छा अभी शुरू कर ले साहब, शुरू कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, आप एक बार मोबाइल नीचे कर लो भाई। एक बार जो फैसले आज के हुए हैं वो हमारे अध्यक्ष जी हैं जो साहब ये बताएंगे। मैम जो विशेष हैं और इनकी कल वहाँ पंचायत में हुई थी, ये बताएंगे कि क्या आज के फैसले रहे हैं। हमारी पंचायत में आज फैसला लिया गया, सभी खापा गए, रोज आदमी आएंगे और 15 दिन तक ही लगता आते रहेंगे। 15 दिन में अगर सरकार नहीं मानी तो 21 तारीख को मैं फिर कमेटी की मीटिंग होगी, तो कमेटी की मीटिंग लेकर आगे फैसले, फिर उसका आगे फैसले दिए जाएंगे। हमारा ये फैसला हुआ है। सिरसा साहब आप सभी प्रेस वालों का धन्यवाद। और मैं प्रेस से निवेदन करता हूं कि आज की जो हमारे अलग अलग प्रदेशों की और खाप पंचायतों की और SKM गैर राजनीतिक और SKM दूसरे की सभी की मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग में जो प्रधान जी थे आज के, उन्होंने ये फैसला सुना दिया है कि अगर फैसला नहीं होता तो 21 तारीख को हम आगे मीटेंगे। और इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि जो पहलवानों ने संघर्ष शुरू किया है ये इसी तरह संघर्ष पहलवान चलाएंगे और हम सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे, चाहे खाप पंचायत है या किसान संगठन है, जितने भी लोग हैं हम इनको सहयोग देंगे और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि उस दुष्ट मंत्री का इस्तीफा लेकर उसको थाने में जेल में बंद किया जाए, ताकि इन जो हमारी लड़कियों की इज्जत के ऊपर जो हाथ डाला है उस दुष्कर्मी को जो है जेल में बंद करके अदालत द्वारा सजा दिलाई जाए। और जो उनके परिवार के जो मेंबर जो हैं अभी भी, उनको हटाया जाए, ये आज का जो फैसला हुआ है। और इसके अलावा जो 21 तारीख तक ये सरकार ये काम हमारी से शर्त इन्होंने रखी है, जो ये मांग है ये पूरी नहीं होती तो 21 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके में उस मीटिंग में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। धन्यवाद। आप बोलो सर। सभी का धन्यवाद। आज यहाँ पे खाप पंचायत और SKM के भी हमारे लोग यहाँ पे थे, डॉक्टर दर्शन पाल जी थे, मित्तल साहब थे, सिरसा जी थे, युगवीर सिंह जी यहाँ पर थे और खाप पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पे थे। और ये फैसला हुआ है कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चले जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी जो हमारे पहलवान है इनकी जो कमेटी है वही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी, इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा, हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख की मीटिंग रखी फिर दोबारा, 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। ये फैसला हुआ है। प्रेस से भी हमारा है कि आप जिस हिसाब से 15 दिन से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है, आप इस आंदोलन को ऐसे ही दिखाते रहे तो हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं लगा। ये हार और जीत इस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये बच्चे हमारी धरोहर है, ये देश की धरोहर है, ये तिरंगे की धरोहर है, इनको हम हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। और शाम को 7 बजे जो लोग यहाँ पर धरने पर रहेंगे और कैंडल मार्च यहाँ पर होगा, पूरे देश में इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, कॉल यहाँ से दी है,
तो जिन जिन लोगों को भी पता चले शाम को 7 बजे अपने अपने शहर में गांव में जहां पर वो कैंडल मार्च जरूर निकालना है। कोई क्वेश्चन? जी ये क्यों आप 15 दिन की डेडलाइन की बात कर रहे हैं, क्या ये आप लिखित रूप में भी देने वाले हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के किसी? नहीं, ये तो एजेंसियां हैं हमारी, गवर्नमेंट की सब एजेंसियां यहाँ पे है। हम सांस निकालते हैं तो उनको पता है कि इनकी 8 मिनट कितनी है, ये 72 सांस लेते हैं या 82 लेते हैं, सब पता है उनको। लिखित में किसके दे कोई आता तो यहाँ है ना विनेश, आप ऐसा लगेगा कि ये है रेस्लर्स का। हाँ भाई, टाइम तो देना ही पड़े भाई, आगे का फिर हम फैसला लेंगे, नहीं कुछ देता फिर बढ़ा देंगे इसको आगे क्या वो करेंगे। अभी तो 21 दिन का ये है, 21 तारीख तक का, कि हर रोज हर खाप से लोग आएंगे, उनके यहाँ रजिस्टर मेंटेन है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, ये कमेटी यहाँ पे ठीक चल रही शांतिपूर्ण तरीके से चलाएं, और आपातकालीन में अगर इनके साथ में कोई दिक्कत होती है तो फिर 24 घंटे पूरा देश पूरा समाज इनके लिए खड़ा हुआ है। हाँ और कहाँ रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सुबह जाकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर यही आ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे ये, जब हाथ में उठा लिया चंद्रयान क्या 10 क्या 15 मिनट पार करके ही चलेंगे। पहले से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन हम बाद में लेंगे, एक बार जितना भी सर लोगों से पूछना है जो तो पूछ लीजिए। सरकार ने तो भेज सर्टिफिकेट हमको 13 महीने का देकर भेज रखा, 13 महीने का दे रखा, तो हम इतने वो हैं कि सरकार अभी सुनने की नहीं, अभी ये लंबा चलेगा, उसके लिए सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, ये पूरे देश में चलेगा, धीरे धीरे अलग अलग जिलों में चलेगा, आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि रोक रोक के पहले भी देख लिया आपने, देखा था कि किसानों को रोकते रहे, सड़कों में खाई खोदते रहे, लेकिन वो आंदोलन अकील गाते रहे, लेकिन उस आंदोलन पे फर्क पड़ा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये निवेदन करता हूँ कि ये हमारी परीक्षा ना लें, हम परीक्षा पहले ले चुके हैं और हम उस परीक्षा में पास हुए, सरकार फेल हुई है, और अब भी ये जो बच्चियाँ हैं ये लड़कियाँ हरियाणा की नहीं है, ये लड़कियाँ जितने लोग हम बैठे हैं ये हमारे देश की बच्चियाँ हैं, ये हमारी बेटियाँ हैं, और हम अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कल गैर राजनीतिक जो हमारा संगठन है सरदार जगजीत सिंह ढलेवाल, तो हमारी सभी तरफ से 5,000 के करीब हमारे जो वर्कर हैं कल वो यहाँ दिल्ली पर पहुंच रहे हैं और जनता मंत्र पर आएंगे, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। थेली मत पिट्टू ना, ये कोई आपकी मीटिंग नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थेली मत पिट्टू, उसमें जो क्वेश्चन है ये प्रेस वाले कोई होगा क्वेश्चन ये कर लेंगे, आपको बीच में नहीं बोलना। अरे पुलिस ने परमिशन यहाँ ही दे रखी, क्या यहाँ ही दे रखी परमिशन, दे के कोई पंचायत भेज रहे यहाँ भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ये संगठन है, यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हमारे समर्थन में हैं, ये बेटियों का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स न करें, यहाँ पे उनके पार्टी के लोग भी हमारे समर्थन में हैं, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हम साथ में हैं, हम पार्टी में उसमें हैं, वोट भी हम वहीं देंगे, लेकिन इस आंदोलन में हम आपके साथ में हैं, क्या जरूरत है वो हमको बताओ, तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं। हाँ कर लेंगे, कुत्ता रहन में क्या को वो करना कर लेंगे, वो प्रोग्राम भी है आंदोलन का है जिला मुख्यालयों में, 11 तारीख से 18 तारीख तक वो भी चलेगा, जिसका जो मन करा वो कर लेगा, पुतला क्या को जिंदगी में खो कर दिया तो फूस लगा के किसी का इनाम लिख दो,
सिंबॉलिक होते हैं ये, तो भाई नाराजगी जिससे होती है वो देख लगे उसे तो क्या क्या करेगा। यहाँ तो जुड़े हुए हैं, अभी तो यही रखेंगे, अभी स्थान जो होगा वो आंदोलन का स्थान भी यही रहेगा, ये बैरिकेडिंग के अंदर ही चलता रहेगा क्योंकि लंबा चलेगा और तो लंबा चलने की उसकी रणनीति में आदमी रोज आएंगे जाएंगे, इनके सिर में दर्द रहेगा तो क्योंकि रोज दवाई खाओगे तो आराम तो जमीन मिलेगा ना, रोज बोर्ड से लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। कैसा लग रहा है दवाई थोड़ा थोड़ा असर कर रही है? नहीं नहीं कोई नहीं, हम किसी के घर में नहीं जाते, ये यही स्थल है जो धरना स्थल है यही है, न्यूसेंस हम किसी के उसका नहीं करते, किसी के घर पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है साहब, आपने कहा कि कई लोग आएंगे और हर दिन आएंगे फिर जाएंगे, वो लोग रहेंगे कहाँ अगर रात को रुकना होगा यहाँ तो? रात को नहीं रुकेंगे, वे चले जाएंगे, ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, यहाँ पे सभ्य जो लोग हैं जो रात को रह सकते हैं कम लोग, और इनकी जो टीम है वो यहाँ पर रहेगी, ज्यादा लोग नहीं। ठीक है जी, एक चीज ये भी है कि पहले ये है जी बिल्किस बानों तो देश की बेटी है, क्या आपने उनका समर्थन किया? इसलिए जब कोई हाँ होगा जब देखेंगे हम, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम ले पाओ, हाँ कर रहे हैं उनका भी कर रहे हैं, हाँ वो भी बैठ गया ही है, किसी के साथ में गलत हुआ है तो हम उनके भी साथ में लेंगे। ठीक है साहब, ये पहले कहा जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। हाँ यहाँ तो कोई पॉलिटिकल वाला नहीं, अच्छा ये बताओ कोई आदमी यहाँ से आएगा जो वोट ना देता हो? एक आदमी आठ हो तो वोट ना देता हो? क्वेश्चन आया नहीं अभी, क्वेश्चन तो सुन लो। अरे क्वेश्चन सुन ले, कोई पॉलिटिकल आदमी है? मैंने ये सवाल नहीं, और क्या है सवाल? ये कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी की रेगुलर रिप्रेजेंटेटिव उनके आ रहे हैं तो कब्जा हो गया है, अभी फार्मर्स और खाप पंचायतें आ रही हैं, तो क्या फार्मर्स ने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया? नहीं हमने कोई हाईजैक नहीं करा, ये सब मूवमेंट ही नहीं का ही है, और यहाँ पे जो भी आएगा उसका समर्थन है, पॉलिटिकल आदमी जिसको दुख दर्द होता है वो आता है, अगर पार्लियामेंट में तो एक जगह गोलगप्पे खाएंगे बैठ के, और यहाँ पे ऐतराज है ये वहाँ पे बैन लगाए कि कोई भी सत्ता रूप से अलग कोई आदमी वहाँ पे नहीं जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे भी सोच लगे। अभी नहीं, अभी तो यहाँ आएगा जो भी आएगा, दिन में आएगा रात को चला जाएगा, टेंट लगने कम थे क्या बोर्ड रूम में? भाई 13 महीने आप लोगों ने सबने टेंट दे देखे, सरकार उन चीजों को ना भूल रहे कि हम वे ही हैं। हो जाएगी सुनवाई, होगी हो जाएगी जैसे टाइम आएगा तो सुनवाई होगी होगी। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग यहाँ पे आए हमारा समर्थन करने के लिए, हमें ताकत देने के लिए, इस न्याय की लड़ाई में जो आज फैसला लिया गया है वो तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता ही दिया है, 21 तारीख तक का टाइम दिया है, अगर उसमें हमारी सुनवाई हो जाती है जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ी को ली जा सकती है हमारी तरफ से, ये सब लोग हमारे सपोर्ट में हैं, जो भी फैसला जो भी होगा वो हम खिलाड़ियों का, जो हमारे कोचिज हैं, जो हमारे गुरु क्लीपर हैं, उनका फैसला होगा, तो हाईजैक किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है, हर देश की बेटी की लड़ाई है ये, हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा सुबह से आ रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन हमारे सपोर्ट में है, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे मान सम्मान की उनको फिक्र है, तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद है कि अपने में कमजोर नहीं पड़ने दिया, आप मजबूती के साथ हमारे खड़े हो, आपकी बेटियों का आप हौसला बढ़ा रहे हो, आप जो हमें ताकत दे रहे हो, तो इस लड़ाई में हमें एक मजबूती मिल रही है,
लड़ाई कितनी भी लंबी हो हम लड़ने को तैयार हैं। जैसा कि आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जैसा आपने कहा कि एक लंबा आंदोलन चलने वाला है, इट मीन्स कि आप और बजरंग और साक्षी तीनों जो एक्टिव अभी रेस्लर्स हैं, इट मीन्स लॉन्ग टाइम तक आप कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपने मेंटली मन बना लिया है? कम्पीट हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन धरने पे हम बैठ के जितना हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, परमात्मा ने चाहे तो हमें जरूर मौका मिलेगा। हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और गेम हमने छोड़ा नहीं है, अभी हम कर रहे हैं, हमें जितना भी टाइम मिल रहा है हम ट्रेनिंग का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी प्लान करके ट्रेनिंग का उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, एक भी दिन अभी हमारी ट्रेनिंग मिस ना हो उसका हम अभी प्लान करेंगे आज से ही, और बिल्कुल हम कॉम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन में हम जाएंगे। FIR तो हो गई है जी, लेकिन अभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि बस गुस्सा की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में ही इंटरोगेशन स्टार्ट हो, जो भी जांच हो उसके बाद में हो, लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो, यही हमारी डिमांड है। धन्यवाद सर। भाई धीरे से इनके हटा देंगे।